नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे लिए यह जानना बेहद दिलचस्प होगा कि स्पाइस जेट द्वारा उज्जैन के जज के साथ धोखाधड़ी की गई। जी हां, उनसे ऐसा बर्ताव किया गया और उन्होंने फेसबुक पर इस बात को लिखा कि जब उनसे ऐसा बर्ताव हो सकता है तो फिर आम यात्रियों का क्या होता होगा। जी हां, हाईकोर्ट जज बी के श्रीवास्तव स्पाइस जेट एयरवेज की मनमानी का शिकार हो गए। जस्टिस द्वारा फेसबुक पर लिखा गया कि उन्होंने पत्नी के साथ बेंगलुरु से जबलपुर आने के लिए 31 दिसंबर का टिकट खरीदा और बेंगलुरु से 2 बोर्डिंग पास जारी किए गए। वह हैदराबाद में कनेक्टिंग फ्लाइट में सवार होने लगे तो पता चला कि उनकी सीट किसी और को दे दी गई है और दूसरी सीट के लिए भी उन्हें आधे घंटे तक परेशान किया गया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि जब जज के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर आम यात्रियों के साथ क्या होता होगा। जस्टिस द्वारा एयरलाइंस के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। उन्होंने यह भी लिखा कि मेरी सीट 2C और 2D किसी अन्य को दे दी गई। जब उन्होंने आपत्ति ली तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। बाद में 19A और 19B सीटें दी गई। इसका भी विरोध किया गया तो 3A और 3B सीट मिली। जब हम फ्लाइट के अंदर पहुंचे तो पता चला कि इन सीटों पर बैठे यात्रियों को सीनियर सिटीजन के आने का झूठ बोलकर उठा दिया गया। कुल मिलाकर यह मामला बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है कि हाईकोर्ट जज के साथ जब ऐसा हो सकता है तो फिर आम जनता के साथ क्या होता होगा। स्पाइस जेट इस पूरे मामले को लेकर कटघरे में खड़ी हो गई है।